हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू फिल्मी वेब 24, जहां मैं आज बात करने वाला हूं हॉरर थ्रिलर मूवी दुर्गामती द मिथ के बारे में। फ्रेंड्स, ये मूवी बागमती तेलुगु मूवी के ऊपर बेस्ड है, जो कि आपको अमेजन प्राइम पे 2 घंटे 35 मिनट की दिखाई देगी। फ्रेंड्स, इस मूवी में लीड रोल में भूमि पेदनकर, अरशद वारसी, जीशु सेन गुप्ता, माही गिल्स और करण कपाड़िया नज़र आने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये मूवी ऑब्वियसली रीमेक है, तो आपको उतना ज़्यादा मज़ा आने वाला नहीं है। अगर आपने तेलुगु में ये मूवी देखा हुआ है तो आपको बिल्कुल का बिल्कुल हू बहू नज़र आने वाला है। फ्रेंड्स, ये मूवी मेरे हिसाब से तो पूरा का पूरा बिलो एवरेज था, बिकॉज इस मूवी में भूमि पेदनकर की ओवर एक्टिंग को देख करके कुछ ऐसा फील हुआ जैसे मूवी को बनाया नहीं जैसे बल्कि संवारने की कोशिश की गई है। फ्रेंड्स, इस मूवी में भूमि पेदनकर की बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिंग है। इसमें कुछ ऐसे डायलॉग हैं जो आपको देख करके हंसी आने वाली है। फ्रेंड्स, ये मूवी बिल्कुल भी हॉरर नहीं थी, और हॉरर तो तब ख़त्म हो गई फ्रेंड्स जब आप इसकी कहानी को लास्ट में आप देखोगे। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ देखने के लिए आपको ये मूवी पूरी तरीके से देखनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, इस मूवी के स्टोरी की शुरुआत दुर्गामती हवेली से होती है, जहां पर भूमि पेदनकर को रखा जाता है एज अ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ऑफिसर जीशु सेन गुप्ता के द्वारा। फ्रेंड्स, वो इन्वेस्टिगेशन वो ऐसा करना चाहती है जिसके कारण अरशद वारसी एज जो पॉलिटिशियन का रोल इसमें प्ले कर रहे हैं उनको फंसाने के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन अरशद वारसी और भूमि पेदनकर के मिले होने के कारण फ्रेंड्स आपको लास्ट में इस मूवी का ज़रूर पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या था, और ये मूवी हॉरर ना बन करके ना थ्रिलर बन करके दोनों में आपस में ही बट गई थी। फ्रेंड्स, इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी अगर देखा जाए तो कुलदीप ममानिया ने किया था, जो कि सिंस ऐसे थे जो आपको बिल्कुल भी हॉरर या थ्रिलर महसूस नहीं कराएगी। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसा बताना चाहूँगा कि आप लोग को देखने में मज़ा तो नहीं आएगा, लेकिन मैं एक बार ऐसा बोलूँगा कि आप जो तेलुगु मूवी भागमती है और बॉलीवुड मूवी दुर्गामती है, दोनों में आप कंपैरिजन जरूर करना। कंपैरिजन से ये पता जरूर चलेगा कि आपको कौन बेस्ट है और कौन बेस्ट नहीं है। फ्रेंड्स, मूवी का क्लाइमेक्स कुछ ऐसा है जो कि गांव को खाली करवाने के बाद ऐसा पता चलता है कि 1800 करोड़ रुपए के कारण ये भूमि पेदनकर ऐसा हॉरर मतलब दुर्गामती का रोल इसमें कर रही है। लेकिन आपको देखने में बिल्कुल भी ऐसा अगर लगे कि हाँ अच्छा है या नहीं है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।